रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले परंपरागत वाणी गायन को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए आयोजित हो रही वाणी उत्सव 2024 व दानजी स्मृति मारवाड़ भजनी सम्मान समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वाणी उत्सव में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के 50 से अधिक समूह के सैकड़ों कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता व संत साहित्य पर निम्बाराम व पांचला सिद्धा पीठ के महंत सूरजनाथ का विशेष उद्बोधन रहेगा। रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले परंपरागत वाणी गायन को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए आयोजित हो रहे वाणी उत्सव 2024 व दानजी स्मृति मारवाड़ भजनी सम्मान समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रूमा देवी फाउंडेशन के निदेशक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रूमा देवी ने बताया कि वाणी उत्सव में 50 कलाकारों को भेंट करने के लिए उच्च कोटि के वीणा को जोधपुर के केतु गांव में विशेष रूप से तैयार करवाया गया है। ये सभी वीणा संस्थान परिसर में पहुंच चुके हैं। वाणी उत्सव के मंच और कार्यक्रम स्थल को विशेष थीम के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, जिसके लिए स्वयंसेवकों की टीम बाड़मेर पहुंच चुकी है। वीणा की मधुर धुन सुनने के लिए विशेष रूप से साउंड सेट किया जाएगा। संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि वाणी उत्सव में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के 50 से अधिक समूहों के सैकड़ों कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता व संत साहित्य व निम्बाराम व पांचला सिद्धा पीठ के महंत सूरजनाथ का विशेष उद्बोधन रहेगा। कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जैसे मुरालाला मारवाड़ा, महेशराम जैसलमेर, अनिल नागौरी केलम और दरिया बाड़मेर, अरुण कुमार गोयल मध्य प्रदेश, प्रकाश खट्टू केहरा राम सणपा आदि के साथ नवोदित व पुराने भजन गायक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं पद्मश्री अनवर खान, राष्ट्रवादी भजन गायक प्रकाश माली, हास्य कलाकार व फिल्म आर्टिस्ट क्याली सारण, गजेंद्र राव जोधपुर आदि कार्यक्रम में वाणी का गायकों को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहेंगे। 29 और 30 मार्च ने अपने वाणी उत्सव होने जा रही है। वो वाणी उत्सव वो है कि वीणा मध्य जगह भजन करे वो वास्ते है। और अपने चार स्टेट अलग अलग जगहों भजन कलाकार आवेला और वे आपरी मधुर प्रस्तुतियां देला। इनने मौ कही है कि जगह नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँचुड़ा भजन कलाकार भी होला और एड़ा भी कलाकार साथे होला कि जगह जगह ने आगे अच्छो मंच नहीं मिलो है तो बोने हाथे एक हाथे मंच माथे लाउन रो कॉम है वो कर रहा हूँ। और क्योंकि जगह ने बिल्कुल मंच नहीं मिलो बोने ध्यान भी कोनी के मने तो मोटो मंच आगे मिल सके तो और जो वाणी उत्सव है वो साल में एक बार होया करे और बाकी हर रोज अपने अटे जो संस्थान को सेंटर है अटे रोज सत्संग हुए और नए नए कलाकार है बोने सिखाने का प्रयास करो बोने जोड़ने का प्रयास करो क्योंकि जो वीणा माते भजन करता जो गोरगी दादूगी मीरोंगी वाणियों गाने लाए वे धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और नई पीढ़ी जुड़ नहीं रही है तो ये वास्ते वो प्रयास है कि नया बच्चा आवे वे सीखे और बोने भी आगे अच्छो मंच मिले वे वास्ते सालाना वो प्रोग्राम हुए जो एक भजन कलाकार है अपने दान सिंह जी जो बहुत बढ़िया भजन कलाकार है और बोंगी स्मृति में वो प्रोग्राम हुए और इनो नाम है वाणी उत्सव और वो हो रही है 29 और 30 मार्च ने। इनमें अलग अलग स्टेट चार स्टेट आ रही है। वाणी उत्सव में भाग लेने के लिए संस्थान को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों को 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से स्क्रीनिंग के माध्यम से 50 से 100 मुख्य कलाकारों का चयन किया जाना है। कार्यक्रम समन्वयक गणेश कुमार ने बताया कि इस बार के वाणी उत्सव में अधिकतर आवेदनकर्ता युवा रहे हैं जो कि वाणी संरक्षण के लिए एक सकारात्मक संदेश है। हमारी नई पीढ़ी थार की विरासत वीणा पर वाणी गायन के संरक्षण की दिशा में जागरूक हो रही है।